10 साल बोला उन्होंने 10 साल और जीऊंगा, तो 10 महीने तक नहीं जी पाए, ये मुझसे अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा है और विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो छोड़ के चले गए इतनी जल्दी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ आप सारे ठीक होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो यार आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी दिन के बज रहे अप्रोक्स 2:30-12 बजे मैंने वीडियो अपलोड करी, उसके बाद मैंने जल्दी से नहाया और आज का हमारा सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ हमारे गौरव भाई के घर, यानी कि जो हमारे UK06 गौरव करके आप उन्हें यूट्यूब में जानते होंगे, उनका घर खटीमा से आगे कंजाबाग वाली रोड में पड़ता है। एक्चुअली ऐसा हुआ था भी थोड़े दिनों पहले, आप लोगों ने अगर उनकी वीडियो देखी होगी तो उनके दादाजी की हो रही थी तबियत खराब और फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने सोचा था कि उनसे मिलने जाऊंगा करके, थोड़ा हाल चाल पूछ के आऊंगा करके। फिर वो उसके बाद देहरादून चले गए थे कॉलेज वॉलेज के काम से, फिर अभी जस्ट आए, आज ही पहुंचे हूँ। आज 6 अप्रैल 2022। तो अभी मैंने सोचा कि आज ही जाता हूँ करके उनसे मिल आता हूँ, क्योंकि फिर उनके दोबारा एग्जाम है तो दोबारा देहरादून चले जाएंगे और मेरे भी फिर एग्जाम स्टार्ट होने वाले, मैं भी चले जाऊँगा। तो फिर बहुत टाइम बाद ही मुलाकात होगी, गौरव भाई की फैमिली से भी मुलाकात करवाएंगे आप सभी की, तो वीडियो में बने रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मिलते हैं पूर्णागिरी रोड में टुक टुक पकड़ते हुए। और ये हमारा पुल है, यहाँ पे वो टुक टुक का इंतजार कर रहा हूँ। अरे वाह, यहाँ तो दादा आ गए। दादा दादा आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। चलो चलो चलो, बढ़िया, चलो सही टाइम पे मिल गया। फाइनली अभी टिकट ले लिया और मैं बस में आ गया हूँ। वैसे बैठा तो मैं मैजिक में था बट वहाँ वो लेट कर रहे थे भैया, इसलिए बस आई, बस में बैठ के आ गया। फिर खटीमा तो पहुंच गया हूं और ये छोटी सी पुलिया है, वैसे एक शॉर्टकट रास्ता पड़ता मंडी होते हुए, तो वहीं है आगे जा रहा हूं जहां पे वो कंजाबाग वाली रोड है। तो अभी कंजाबाग वाली रोड में और यहाँ से अभी मेरे को टेम्पो पकड़ना है। गौरव भाई इज हियर, क्या हाल है? बढ़िया। चलो फिर आप मिलते हैं घर में, ठीक है। तो अभी फिलहाल मोबाइल आ गया है हमारे हाथ में, UK06 गौरव के हाथ में आ चुका है। यहाँ पे एक तालाब में रुके हुए हैं, मेरे गांव में है, बढ़िया करके एकदम मस्त व्यू आ रहा है। तो इस तालाब को बोलते हैं कुंडा घाट। तो मैंने कहा यार हमारे भाई आ रखे हैं, इनको दिखा देते हैं थोड़ा बहुत ऐसा जो हमारा तालाब है। ये तो, क्या हम नहीं नहा सकते हैं, मगरमच्छ नहाते हैं। मगरमच्छ आते बहुत खतरनाक, यहाँ नहाने जैसा नहीं है यार। तो दोस्तों अभी फाइनली मैं पहुंचा हूं गौरव भाई लोग के घर में और अभी मैं खड़ा हूं उनके छत में। यहां से जो नज़ारा आ रहा ना, मुझे अपने गांव जैसी फीलिंग आ रही है, बढ़िया लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा शांति इलाके में है इनका घर एकदम, थोड़ा अंदर अंदर। और ये हमारे साथ हमारे वन एंड ओनली UK06 यानी कि गौरव भैया हमारे। तो भैया यहाँ पे चाय लाए, भैया एक बार हेलो कर देना। हेलो भाई, कैसे हो? तो यहाँ पे कोई बढ़िया मौसम के साथ चाय का आनंद लिया जा रहा है और काफ़ी बढ़िया चाय बनाई है। चाय बड़ी हो रही है, खाली वीडियो में बोल रहे हैं, वीडियो में नहीं, सही में यार। चाय की चुस्की एकदम मस्त, हवा आ रही है, वैसे तो लू चल रही है हल्की हल्की बट अभी छाया आ रही है। अगर आप शहरों में रहते हो तो एक बार गांव साइड जरूर आइए, क्योंकि ऐसी फ्रेश एयर आपको कहीं नहीं मिलेगी। पहाड़ों में रहते हो तो पहाड़ों में आपको पता होगा कि कैसे एकदम ताज़ा हवा आती है। गाँव का आनंद लीजिए, यहाँ के आपको अलग अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे, अलग अलग कल्चर हैं गाँव के, जो कि हम दिखा रहे हैं आपको हमारी वीडियो के जरिए और न्यूज़ भाई की वीडियो के जरिए। देखो ब्लॉगर की ज़िंदगी क्या होती है,
सब चीज दिखाना ए टू जेड। हाँ भले आपने देखी होगी वो जगह, हम लोग भी दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं बढ़िया करके, आप उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानिए भाई। क्या पता जैसे कोई हाँ। चीज आपसे भूल चुक रह गई हो हाँ। क्या पता आपके दिमाग में वो ना हो और हमने वो चीज आप लोग को बता दी हाँ। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ यार ये तो हमें पता नहीं थी करके इस वीडियो के थ्रू चीज मेरे को पता चल गई। व्लॉग बनाने में कुछ नहीं जाता है कि हाँ वीडियो बनाए ऐसे शूट करा सही और थोड़ा काटा पीटा और डाल दिया। एक बार आप हमसे जानिए, हमको मैसेज करिए, हमसे मिलिए और हमसे पूछिए कि यार कैसे अपलोड करते हो, कैसे एडिट वगैरह करते हो। सही बात, तब पता चलेगा आपको रियल हार्ड वर्क क्या होता है भाई। व्लॉगर 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 अभी बताते हैं आगे, थोड़ा चाय पी लें, थोड़ी बची है चाय जरा। बढ़िया हो रही ना? बढ़िया हो रही, खाली बोलो तुमने। अरे यार तुम खाली घास पड़वा दोगे। तो हमारे नीरज भाई तो चाय वगैरह पी रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि यार हमारा घर किस साइड है, कभी मन हुआ इधर आने का तो बता देना। खटीमा से कंजाबाग से अंदर आओगे तो बिगराबाग, बिगराबाग से अंदर आओगे तो बनबुड़िया, बनबुड़िया नहीं जानते तो बुढ़ा किसने जानते होगे। तो पूछ लेना कि यार कोई व्लॉगर है करके इधर, कोई यूट्यूबर है तो पता चल जाएगा मेरा घर कहाँ है। ठीक है, तो आज आप देख रहे होगे भाई हम छत में आ रखे हैं और आसपास देख रहे हो गेहूँ कटाई शुरू हो चुकी है और हमारे तो भाई कट चुके हैं गेहूं। ठीक है, हमारे वहाँ गेहूं कटे ना हाँ, कच्चे रह गए यार, मशीन बड़बड़ बोलने लगी। बचपन में क्या होता था ना, पूरा खेत खाली रहते थे हम, उनमें अंटी वगैरह खेलते थे। अंटी सही तो याद होगा, अंटी तो भाई एक छुछू गड्ढा होता था, मतलब इतनी इतनी लकड़ी होती थी हाँ। और प्लास्टिक की बॉल से खेलते थे गड्ढा बना के। अच्छा वो तो नहीं कह रहे हो गेंदुची? हाँ जो भी है हमारे गेंदुची बोलते हैं अपने में, और संपोलिया। हाँ हाँ संपोलिया, संपोलिया तो भाई विकेट के लिए। उसके बाद संपोलिया खेलने तड़ी मार पड़ी खाली बॉल से एक दूसरे को। अरे वो तो भाई। तो फाइनली हमारे जो गौरव भाई है, इनके छोटे से भतीजे भतीजे है जो की काफी ज्यादा क्यूट है और इनकी वीडियो में आते रहते हैं। इनका नाम है कनी, ये बार हेलो कर देना। हेलो। जब मैं आ रहा ना अभी यहाँ, तो मम्मी लोग कह रहे थे कि एक बार उसे जरूर हेलो हेलो करना। ये भी कह रखा आपसे कमेंट में भी कहा था। हाँ मैंने भी अगर कनी अगर टनकपुर आओ तो कनी को लेके जरूर। अरे बिल्कुल आंटी जी, मैंने बोला ना आपको अगर मेरे को मौका मिलेगा मैं 200% इसको लेके आऊंगा। इसका चैनल बनने वाला है बहुत जल्द, फिर तो बस इसके चैनल, मेरा चैनल नहीं भी देखोगे चलेगा, इसका चैनल देख लेना। कनी थोड़ा बहुत क्या बोला आंटी जी और दीदी जी जो है मेरे चैनल को लाइक करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मैं नए ब्लॉग लाऊंगा और भी प्यार और सपोर्ट करते रहिए, करते रहिए। आप नर्वस हो रहे हो आज? अरे थोड़ा बहुत हो जाता है, नर्वसनेस तो हो जाती है। कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। बाय बाय। हां बाय बाय कर दो, हाथ मिला दो। बाय आंटी जी, बाय बाय कर दो आंटी जी। आप वहां कहां रहते हो? हरियाणा में रहते हो? हां। तो कैसे हाल चाल है? कैसे होते हैं यार, आप देखो घर में सिचुएशन, आप सभी को पता नहीं होगा कि मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी अभी कुछ दिन पहले। ऐसा लगता नहीं है कि यार वो चले गए करके, मतलब जब मैं देहरादून जाने वाला था फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं 10 साल अभी और जीऊँगा, मेरे को कुछ नहीं होने वाला है हाँ। और उनको कुछ भी नहीं हुआ था, पता है उनको ऐसा लग भी नहीं रहा था कि यार वो अभी इतनी जल्दी चल बसेंगे। याद करते ना यार, पुरानी बात है, सब याद आती है धीरे धीरे करके। बाहर से चेहरे में स्माइल है तो वो सब खाली दिखावा है, लेकिन जो अंदर अटैचमेंट होती है ना वो अंदर से होती है, दिल से। मैं ज़्यादा अटैचमेंट फील करता हूँ क्योंकि भाई मैं सबसे छोटा नाती हूँ अपने बुबू का, पूरे परिवार में कहीं भी जाते थे तो मेरी बात करते थे, यार ये देखो मेरा सबसे छोटा नाती है, तो सारी बातें बताते थे, पुरानी बातें बताते थे। उनके बारे में बोलते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। अब यार लाइफ में सिचुएशन आते रहेगी और उसको हैंडल करेंगे। अभी जैसे मुझे पता लगा दादाजी वो करके, मैं सोचा था एक दो दिन बाद मतलब आऊँगा करके मिलने के लिए, बट फिर उसके बाद तुम वहाँ चले गए देहरादून। हाँ मैं चला गया। फिर उसके बाद अभी कल परसों में आए, तब हमारी बीच में बात हुई थी, मैंने कहा था कि मैं आऊँगा करके, तब इनने कहा कि 6 तारीख को मैं आ रहा हूँ करके, तो फाइनली आज मैं आ गया। बट ऐसा हो रहा है थोड़ा सिचुएशन देख के हमें वीडियो बनानी पड़ती है ना, अभी हम लोग छत में आ रहे हैं अभी नीचे, अब सिचुएशन ऐसी कि मैं वहाँ वीडियो नहीं बना सकता हूँ। तो कभी आने वाले टाइम पे मेरे को मौका मिला मैं दोबारा आऊँगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, गौरव भाई की फैमिली से मुलाकात करवाएंगे आपकी, आज मैं किसी वजह से नहीं करा पाया उसके लिए सॉरी, बट गौरव भाई हमें मिले और गौरव भाई ने अपना जो भी फीलिंग थी सब बताई। के चैनल को आपने चेकआउट नहीं करा तो गौरव भाई के चैनल को भी चेकआउट करो, UK06 गौरव आ रहा होगा कहीं यहीं पे, UK06 अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ भी नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने कहा यार मिल के जाएंगे आज गौरव भाई से, फिर कभी बहुत टाइम बाद मुलाकात होगी क्योंकि गौरव भाई के भी अभी एग्जाम है, देहरादून जाएंगे और फिर मेरे भी एग्जाम होने वाले हैं। गौरव भाई से मुलाकात हुई काफी ज्यादा अच्छा लगा हमको भी, और कनी भाई से भी बहुत अच्छा लगा मिलके। थोड़ा बहुत नर्वस हो गया था यार, थोड़ा मुझे लगा ही था नर्वस हो गया। अभी कितना बोल रहा है, वहां से हेलो हेलो कर रहा है ना, वहां से देखो इनकी वीडियो में थोड़ा नर्वस हो गया था, मुझे लगा ही था। मेरे चैनल पे आओगे ना, मेरे चैनल पे वीडियो देखोगे भाई कुछ नर्वसनेस नहीं, ओपन अरे ऐसा बनाता है, उसके आधे कैमरा थमाता हूं चल देगा, मतलब अलग ही क्यूट तरीके से बोलता है ना बहुत। तो फटाफट से इनको अब खटीमा तक छोड़ के आएंगे, तो फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम वगैरह में, यूट्यूब में भी लाइव आ गए हमारे भाई, आपने देखा होगा 7 तारीख को। तो बस वीडियो को यहीं पे को एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड स्टे कनेक्टेड विथ नी रज एंड गौरव, बाय।